बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल लखनवाली में स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको हमने यहाँ पर तृतीय खंडा यानी कि संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसको स्टार्ट किया था वैदिक साहित्य के अंदर हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया था कुछ कार्य में विजी होने की वजह से अधिक व्यस्तता होने की वजह से हम आपको वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाए तो आज हम आपको जैसे तैसे करके समय आपको निकाला है और आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों तो चलिए आज बिना किसी लंबी भूमिका के आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रहे हैं और सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं ठीक है इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य में वेद परिचय जैसे कि आपके सामने आप, आप में देख, देख रहे हैं सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे इसमें देखते हैं क्या है और उसके बाद में हम उसका मतलब समझेंगे एक प्रकार से उसकी व्याख्या हम समझेंगे तो देखिए वेद परिचय है लिखा हुआ है सबसे पहले लिख रहा है संपूर्ण संस्कृत साहित्य वेदा नाम स्थानम वर्तते ठीक है मतलब ये हुआ इसका बच्चों कि संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में वेदानाम स्थानम सर्वोपरि वर्तते वेदों का स्थान सर्वोपरि है तो किसका स्थान सर्वोपरि है बच्चों वेदा स्थान सर्वोपरि तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य केशाँव स्थानम सर्वोपरि वर्तते तो आपका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि है सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर है बाकी सब इसके बाद में है आगे लिखते हैं अस्माक देशे भारतवर्षे व्यवस्था वेदाधारिता एव अस्ति मतलब हमारे देश भारतवर्ष में धर्म व्यवस्था वेदों पर आधारित ही है बिल्कुल सत्य है हमारे देश के अंदर जो धर्म व्यवस्था है वो किस पर आधारित है बच्चों वेदों पर आधारित है इसलिए वेद आधारित एव अस्ति वेदों पर आधारित ही है क्या है धर्म व्यवस्था कहाँ हमारे देश भारतवर्ष में जो धर्म व्यवस्था धर्म की व्यवस्था की गई है ठीक है वो किस पर आधारित है वेदों पर आगे है वेदा धर्म निरूपणे स्वतंत्र भावेण प्रमाणम बिल्कुल सही है मतलब हुआ कि वेदा धर्म निरूपणे जो वेद हैं वो धर्म के निरूपण में ठीक है धर्म को बताने में धर्म को समझाने में धर्म को एक्सप्लेन करने में धर्म की व्याख्या करने में धर्म का निरूपण करने में स्वतंत्र भावे न प्रमाणम स्वतंत्र रूप से प्रमाण है प्रमाण प्रमाण का मतलब जानते ही है ठीक है प्रूफ कहते हैं ना हाँ ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या सबूत है तो वेद जो है धर्म निरूपण में स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र भाव से प्रमाण है और स्मृत्यादिस्तु तनमूलकतया प्रमाणम और स्मृत्यादि तनमूलकतया प्रमाणम तो मूल रूप से प्रमाण हैं स्मृत्यादि तो मूलकतया प्रमाणम यानी मूलकता से प्रमाण है मूल रूपेण प्रमाणम मूल रूप से प्रमाण ही हैं ठीक है आगे लिखते हैं फिर वेदस्य प्रसिद्धि ही रूपेण अस्ति ही यत यत वेदा श्रुति एव प्राचीन कालात इदानीम पर्यंतम सुरक्षिता सती मतलब क्या हुआ इस लाइन का इस लाइन का मतलब है बच्चों कि वेदस्य प्रसिद्धि ही वेद की प्रसिद्धि ठीक है वेद की प्रसिद्धि रूपेण अस्ति यानी श्रुति के रूप में है श्रुति रूप में वेद की प्रसिद्धि है मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेद शब्द है ठीक है इस वेद शब्द मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वेद शब्द का पर्यायवाची है श्रुति ठीक है एक होता है आमनाय श्रुति ही ठीक है ये क्या है जो श्रुति शब्द है ये वेद का ही पर्यायवाची है तब इसका मतलब हो जाता है कि वेद से प्रसिद्धि जो वेद है उसकी प्रसिद्धि अस्ति श्रुति के रूप में है ठीक है श्रुति के रूप में इसको जाना जाता है यतः वेद क्योंकि वेद श्रुति परंपराया एव श्रुति परंपरा से ही ठीक है श्रुति परंपरा से ही प्राचीन कालात इधानी पर्यंतम प्राचीन काल से इस समय तक ठीक है प्राचीन काल से इस समय तक सुरक्षित आसंती सुरक्षित हैं समझ गए बात को दोबारा सुन लो वेद से प्रसिद्धि जो वेद है उनकी प्रसिद्धि वेद की प्रसिद्धि श्रुति के रूप में है क्योंकि वेद श्रुति परंपरा से ही प्राचीन काल से लेकर के आज तक इधानीम पर्यतम आज तक सुरक्षिता हसंती सुरक्षित हैं ये इसका मतलब हुआ आगे लिखते हैं फिर इसी का प्रमाण देते हैं कि श्रुति स्मृतो विरोधे श्रुति एवं गरीयसी इदम सर्वमान्यमतम मतलब ये हुआ कि श्रुति और स्मृति में जब विरोध हो जाता है तो श्रुति ही श्रेष्ठ मानी जाती है गरियसी यानी महान या श्रेष्ठ या उत्कृष्ट या सर्वोपरि ठीक है आपने गरीयसी शब्द सुना है ना जननी जन्म भूमि शय स्वर्गादपि गरीयसी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं ठीक है थीके? ये राम जी ने कहा था ना वो वाली बात है तो गरीयसी का मतलब समझ गए होंगे आप तो इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा श्रुति और स्मृति में विरोधे सती यानी विरोध होने पर श्रुति ही उसमें श्रेष्ठ मानी जाती है श्रुति ही महान मानी जाती है यानी श्रुति का मत मान्य होता है सर्व सर्वमान्य मतम यह सर्वमान्य मत है यह सर्वमान्य मत है ये इस पंक्ति का मतलब है बच्चों तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अर्थ समझ में आ गया होगा जो भी व्याख्या हम बता रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी ठीक है आगे देखते हैं तो यहाँ तक हो गया क्लियर आगे लिखते हैं न तया एव वेदा सामता अपितु विश्वस्मिन सर्व प्राचीन ग्रंथतया वेदा सर्व भारतीय विद्या आधारा संति बहुत ही सुंदर पंक्ति है कहा गया है कि न तया एव वेद न केवल धर्ममूल रूप धर्ममूलकता से ही वेद सम्माननीय हैं समद्रता प्रशंसनीय हैं न केवल वेद न केवल धर्ममूल से ही प्रशंसनीय हैं अपितु। सर्व प्राचीन ग्रंथ तयापि इस विश्व में इस संसार में सर्वप्राचीन ग्रंथों से भी वेद वेदा एवं वेद ही सर्वेशा भारतीय विद्या भारतीय विद्याओं का संती आधार संति आधार हैं यानी सभी भारतीय विद्याओं के आधार हैं वेद समझ गए मतलब ये इसका मतलब हो गया ठीक है तो आप दोबारा सुन लेंगे कि के न केवलम धर्म मूलकतया एव वेदा समाद्रता जो वेद हैं वो वेद न केवल धर्म मूलकता से ही प्रशंसनीय हैं समादृत हैं समादृत हैं सम्माननीय हैं अपितु इस संसार में सर्व प्राचीन ग्रंथों के द्वारा या ग्रंथों से भी वेद ही सर्वेशा भारतीय विद्या सभी भारतीय विद्याओं के के? इस प्रकार से इस पंक्ति का मतलब हो जाता है आगे देखते हैं आगे और क्या लिखा है आगे लिखते हैं वेदेशु धर्म शास्त्र अब वेदों के अंदर किस किस का वर्णन प्राप्त होता है इसके बारे में आगे लिखा हुआ है तो वेदेशु धर्मशास्त्र से राजनीतिशास्त्र से आध्यात्मज्ञान से मनोविज्ञान से आयुर्वेद से गणित शास्त्र से अर्थशास्त्र से का्यशास्त्र से कामशास्त्र से एवचे वर्णन प्राप्य इन सभी का वर्णन प्राप्त होता है किस किस का वर्णन प्राप्त होता है तो लिखा है कि वेदेशु इन वेदों में धर्मशास्त्र mm -hmm. का राजनीति शास्त्र का अध्यात्म शास्त्र का यानी अध्यात्म के बारे में ठीक है और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान का आयुर्वेद का आयुर्वेद जानते ही हैं गणित शास्त्र का और अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र जानते हैं आप जो चाणक्य जी ने लिखा ना अर्थशास्त्र और काव्य शास्त्र का और काम शास्त्र का काम शास्त्र भी आप जानते हो वात्सायन जी का शास्त्र एवं च और एवं बहुविध कला नाम अनेक प्रकार की कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है अनेक प्रकार की कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है बच्चों तो अनेक प्रकार की कलाओं का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है वेदों में तो लिखा है वेदेश प्राप्त इस प्रकार ये पंक्ति को मतलब आपको समझ लेना है ठीक है अब देखो आगे क्या लिखा है आगे देखते हैं आगे लिखते हैं कि प्राचीन काले समस्त धार्मिक कार्याणी सामाजिक कार्याणी व्यावहारिक कार्याणी च वेद समर्थिता ने बहुत ही सुंदर पंक्ति है लिखा है कि प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में समस्त धार्मिक कार्याणी यानी प्राचीन काल, काल में समस्त धार्मिक, धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य व्यावहारिक कार्य ठीक है जो व्यवहार से संबंधित जितने भी व्यवहारिक कार्य वो सारे इसमें आ जाते हैं ठीक है व्यवहारिक कार्य वेद समर्थितानिए वासन वेद समर्थित ही थे यानी वेदों का समर्थन करने वाले ही थे वेदों के दिशा निर्देशों पर आधारित ही थे उनका समर्थन करने वाले थे वेदों में जो निर्देश दिए गए जो उपदेश दिए गए जो ज्ञान बताया गया उसका समर्थन करने वाले उस पर चलने वाले उसको आधार बना करके के कार्य करने वाले उसको कहते हैं वेद समर्थित ठीक है तो वेद समर्थितान ये वासन वेद समर्थित ही थे समझ के बात को क्या थे प्राचीन काल में समस्त धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य और व्यावहारिक कार्य सभी वेद समर्थित ही थे ये इसका मतलब है ठीक है ना तो ऐसे करके यहाँ तक आपका हो जाता है किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं आगे लिखते हैं वेदाह भारतीय संस्कृति मूल स्रोतान संति वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं ठीक है ठीके? तो वेद जो हैं वो भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं जो मूल स्रोत यानी आपका सवाल हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत क्या हैं ठीक है तो उत्तर हो जाएगा वेदाहा यानि वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं ठीक है मूल स्रोत आगे है भारतीय संस्कृति यथार्थ ज्ञानम वैदिक साहित्य एव उपलभ्य ठीक है मतलब हुआ कि भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान भारत की जो संस्कृति है हमारे देश की जो संस्कृति है जिस कल्चर जिसको हम कहते हैं ठीक है ना खाना पीना ओढ़ना ये सारा हमारा कल्चर है ठीक तो कहते हैं कि भारतीय है संस्कृति का यथार्थ ज्ञान उसका वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान वैदिक साहित्य नहीं वैदिक साहित्य से ही उपलब्ध होता है प्राप्त होता है उपलब्ध ही समझ गए बात को तो भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है तो वैदिक साहित्य आपको समझना होगा वैदिक साहित्य के अंदर ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा किसका भारतीय संस्कृति का तो इस पंक्ति का मतलब हो गया भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वैदिक साहित्य से ही उपलब्ध है होता है प्राप्त होता है चलिए आगे देखते हैं आगे लिखा है फिर में यहाँ से देखिए भारतीय संस्कृति स्वरूप से भारतीय संस्कृति के स्वरूप का ठीक भारती है भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के स्वरूप से यानी स्वरूप का यथा यानी जैसे ठीक है यथा यानी जैसे उदाहरण दे रहे हैं अखंड यज्ञुखंडश्वास से एकत्मस्वीकृत बहुदेववादे विश्वास से निष्कामकम कर्तव्यता परमात्म सर्व्यापकता है ज्ञान ज्ञानकर्मणो सम भौतिकवादम प्रति पुनर्जन्मनी विश्वास से पुरुषाथचतुष्ट संाप्ते सम्यक बोध प्राप्यते यानी इन सब का सम्यक रूप से बोध प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त होता है सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है इन सबका ठीक है तो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति स्वरूप भारतीय संस्कृति का स्वरूप यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का स्वरूप है जैसे क्या है भारतीय संस्कृति का स्वरूप जैसे यज्ञेशु अखंड विश्वास से यज्ञों में अखंड विश्वास किस में अखंड विश्वास यज्ञेशु यज्ञों के अंदर आपको पता है कि नहीं यज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले कितने यज्ञ होते थे अटूट विश्वास था ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग था हर घर में हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहती थी लेकिन अब धीरे धीरे लगभग वो लुप्त प्राय होती जा रही है धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं ये इसका मतलब आपको समझना है तो यज्ञों में अखंड विश्वास का एक आत्मा स्वीकृत्या बहुदेववादे विश्वास से एकात्म को स्वीकार करते हुए एकात्मा को, एक को स्वीकार करते हुए अनेक देववाद में विश्वास का अनेक यानी बहुदेववाद में विश्वास का समझ गए बात को यानी एक आत्मा को स्वीकार करते हैं और हम बहुदेवताओं देवताओं को मानते हैं बहुदेवों को मानने वाले हैं इस प्रकार के विश्वास का और निष्काम कर्मण कर्तव्यताया निष्काम कर्म का और कर्तव्य का निष्काम कर्म और कर्तव्य का परमात्म तत्व से परम तत्व का सर्व व्यापकताया और सर्वव्यापकता का सर्वव्यापकता जो सभी जगह व्यापक हो उसका ये सब भारतीय संस्कृति के अंग हैं ज्ञान कर्मणो हो समन्वय से ज्ञान और कर्म के समन्वय का यानी ज्ञान और कर्म का समन्वय दोनों का समायोजन ठीक है ज्ञान कर्म का समन्वय तो भौतिकवादम प्रति अनास्थाया और भौतिकवाद के प्रति अनास्था भौतिकवाद के प्रति अनास्था तो भौतिकवाद आप जानते ही हैं भौतिकवाद मतलब एक प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत है ये जो कि पंचभूतों को मुख्य मानता है सभी पदार्थ जो भी चीज़ें बनती है वो कहते हैं कि पदार्थों से बनती हैं ये ऐसा मानता है भौतिकवाद तो भौतिकवाद के प्रति अनास्था का पुनर्जन्मनि विश्वास से पुनर्जन्म में विश्वास का पुरुषार्थ चतुष्टय से संप्राप्ति और चार पुरुषार्थ ठीक है चार पुर, पुरुषार्थ की संप्राप्ति का सम्यक बोध प्राप्यते इन सब का सम्यक बोध प्राप्त होता है तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब होता है चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब का सम्यक बोध प्राप्यते सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है बोध प्राप्त होता है समझ विकसित होती है समझ प्राप्त होती है ये इस पंक्ति का मतलब हुआ बच्चों ठीक है तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे इसमें आपको मुख्य जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल स्रोत हैं वो क्या हैं भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत किसे माना जाता है और भारतीय संस्कृति के स्वरूप में क्या क्या आता है ये सारी चीज़ अभी जो हमने बात की है वो सारा इसी में आता है आपकी आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे लिखा है यहाँ से मानव कर्तव्य से बोधनार्थम वेदा सर्वाधिका प्रामाणिक ग्रंथा सन्नी बहुत ही उत्तम पंक्ति हैं तो लिखा है कि मानव कर्तव्य से बोधनार्थम यानि मानव कर्तव्य के बोध के लिए यानी मानव के कर्तव्यों को समझने के लिए उनका बोध करने के लिए वेद ही सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं ठीक है ठीके? तो प्रश्न हो जाता है कि मानव कर्तव्यों को समझने के लिए कौन से ग्रंथ सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं तो वेद जो वैदिक ग्रंथ हैं या वेद हैं वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं तो मतलब इस पंक्ति का समझ में आ गया होगा मानव कर्तव्य के बोध के लिए समझ के लिए वेद सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं ठीक आगे लिखते हैं अत्र मानव मात्र से कर्तव्या कर्तव्यो हो यथास्थान प्रतिपादनमस्ती मतलब यहाँ मतलब वेदों में अत्र यानी यहाँ का मतलब वेदों में मानव मात्र के कर्तव्य और अकर्तव्य का यथास्थान प्रतिपादन किया है यानी कर्तव्य क्या है उनका अकर्तव्य क्या है यानी कि करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है इसका यथास्थान प्रतिपादन किया है यथास्थान का मतलब है जहां पर होना चाहिए उचित स्थान पर प्रतिपादन किया गया है समझ गए बात को ये इसका मतलब है आगे देखते हैं आगे लिखा है वेदेशु वेदों में पित्री पुत्रयो गुरु शिष्यो स्त्री पुरुषयो माता पित्रो व्यक्ति समाजयो चर्वसंबंधा आदर्श से च विषधम विवेचन प्राप्यते यानी इन सब का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है विषधम यानी विस्तृत बहुत अच्छे से ठीक है विस्तृत विवरण प्राप्त होता है विवेचन प्राप्त होता है किस किस का तो लिखा है कि अत्र यानी यहाँ पर मानव मात्र से तो लिखा है कि वेदेशु यानी वेदों में पित्री पुत्रयो पिता और पुत्र का गुरु और शिष्य का स्त्री पुरुष का माता पिता का व्यक्ति और समाज का और सर्व संबंधा नाम आदर्श से और सभी प्रकार के संबंधों के आदर्श का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है ये इसका मतलब है बच्चों तो एकदम आसान है कोई दिक्कत नहीं है शून्य मात्र से आप याद रख पाओगे आगे लिखा है वेदेशु चतुर्नाम वर्णा नाम, नाम अपनी कर्तव्य निर्देश प्राप्त थे ठीक मतलब वेदेशु यानी वेदों में चतुर्नाम वर्णा नाम, नाम यानी चार वर्णों का भी कर्तव्य निर्देश प्राप्त होता है चार वर्ण यानी चार वर्णों की बात की गई है उन चार वर्णों का भी यहाँ कर्तव्य निर्देश प्राप्य थे कर्तव्यों का निर्देश प्राप्त होता है कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए कौन से कर्तव्य हैं कौन से नहीं हैं इनके विषय में निर्देश प्राप्त होते हैं कहाँ पर वेदों में किनके वर्णा नाम अपनी यानी वर्णों के भी जैसे क्षत्रिय वैश्य सूद्र तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि वेदों में चार वर्णों का भी कर्तव्य निर्देश प्राप्त होते हैं तो अब आप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा हम समझते हैं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं चलिए चलिए दोस्तों चलते। आगे चलते हैं आगे देखिए लिखा है वेद प्रमुखतया द्विविधा अस्ति वेद प्रमुख रूप से दो प्रकार का है ठीक है वेद प्रमुखतया द्विविधा अस्ति यानी वेद के प्रमुख रूप से दो भेद हैं यानी दो इसकी विधा हैं ये प्रकार हैं ऐसे आप कह सकते हैं कैसे कैसे हैं एक तो मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप यानी एक तो मंत्र रूप में और दूसरा ब्राह्मण रूप में ये मुख्य रूप से जो प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं वेद के दो वेद हैं ठीक है एक तो मंत्र रूप में और एक ब्राह्मण रूप में ठीक अब आगे देखते हैं आगे लिखा है मंत्र समुदाय एव संहिता शब्देन व्यवह्रिय मंत्र समुदाय ही मंत्रों का जो समुदाय है वही संहिता शब्द से व्यवहार किया जाता है यानी मंत्र समुदाय ही संहिता है ऐसा मतलब है इसका मंत्रों के समुदाय को ही संहिता शब्द से व्यवहार किया जाता है उसको संहिता शब्द से जाना जाता है ठीक है ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको याद रखना है कि संहिता क्या है तो आपको याद रखना है मंत्र समुदाय संहिता यानी मंत्रों का जो समुदाय है वही संहिता है अब आगे लिख रहे हैं कि ब्राह्मण रूप वेद भाग संहिता भाग से व्याख्या रूप विद्यते और फिर आगे लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मण रूप वेद भाग है जो ब्राह्मण रूपी वेद का भाग है वो संहिता भाग से व्याख्या रूप विद्यते वो संहिता भाग का व्याख्या रूप है यानी संहिता भाग जो है उसकी व्याख्या जो है वो आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी तो इसीलिए लिखा है कि ब्राह्मण रूप वेद भाग जो है वो संहिता भाग से व्याख्या रूपा विद्यते संहिता भाग की व्याख्या के रूप में मिल मिलता है है और अयम ब्राह्मण ग्रं ब्राह्मण भाग अयम ब्राह्मण भाग बोधक अस्ति और यह ब्राह्मण भाग याग स्वरूप का बोधक है यानी यज्ञ के स्वरूप का बोधक है उसके स्वरूप को बताने वाला है ये कौन सा है ब्राह्मण भाग ठीक है आगे लिखते हैं ब्राह्मण ग्रंथा अपि त्रि त्रिधा विभक्ता भवती और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके वो भी आपके तीन प्रकार ब्राह्मण ग्रंथा अपि त्रिधा विभक्तः भवती तो आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ भी तीन प्रकार से विभक्त हैं ब्राह्मण ग्रंथ अपि ही त्रिधा विभक्त भवती तीन प्रकार से विभक्त होते हैं कैसे होते हैं एक तो ब्राह्मण रूप में एक आरण्यक रूप में और तीसरा उपनिषद के रूप में यानी तीन भागों में विभक्त होते हैं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ठीक है ये तीन आपको याद रखने हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ भी तीन भागों में विभक्त हैं तो कौन कौन से तीन भाग हैं तो नाम याद रखना है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ठीक है आगे लिखते हैं यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक ब्राह्मण भाग यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादक ब्राह्मण भाग है आपसे पूछें कि भाई ब्राह्मण भाग क्या है ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण जाति है या ब्राह्मण वर्ण है वो नहीं है यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो भाग है वेद का उसके अंदर यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक वो यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादक करता है उसमें यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन है ये मतलब है आगे लिखते हैं अरण्य पठिता अरण्य यानी होता है जंगल जंगल में पढ़ा हुआ पठित जंगल में पठित पढ़ा गया ठीक है अरण्य पठिता यानी जंगल में पढ़ा गया यज्ञ यानी यज्ञ का आध्यात्मिक रूपम विवेच यज्ञ के आध्यात्मिक रूप को विवेच विवेचित करते हुए उसका विवेचन करते हुए वेद आरण्य का यानी वेद भाग जो हैं वो आरण्यक हैं यानी आरण्यक जो वेद भाग हैं वो क्या हैं इसके बारे में बताया है कहते हैं कि अरण्य में जो पढ़ा गया यानी अरण्य पठिता अरण्य में पढ़ा गया यज्ञ से आध्यात्मिक रूपम विवेचयनता यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन करते हुए जो वेद भाग हैं या यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन करने वाले जो वेद भाग हैं वो आरण्यक भाग हैं वो क्या हैं आरण्यक ऐसे आपको याद रखना है ठीक है आगे लिखते हैं उपनिषद उपनिषद जो हैं वो ब्रह्मात्मबोधि का मोक्ष सादी का संति यानी ब्रह्म आत्मबोध यानी ब्रह्मा और आत्मा का बोध कराने वाले और मोक्ष के साधक उपनिषद हैं मोक्ष सादी का उपनिषद यानी मोक्ष साधिक मोक्ष को साधने वाले मोक्ष को सिद्ध करने वाले हैं उपनिषद तो उपनिषद क्या हैं तो उपनिषद हैं ब्रह्मात्म का मोक्ष सादी का संति यानी ब्रह्म और ब्रह्मात्मा का बोध कराने वाले और मोक्ष का साधन करने वाले या मोक्ष को सिद्ध करने वाले मोक्ष का साधक कौन है उपनिषद आगे लिखते हैं वेदस्य अंतिम रूप तया उपनिषद यानी वेद के अंतिम रूप से अंतिम रूप होने से उपनिषद वेदांत इतुचते उपनिषद वेदांत तो ऐसा उनको कहा जाता है यानी उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है वेद के अंतिम रूप है यानी वेद का अंतिम भाग है ये इसीलिए इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना वेद अंतिम रूप तया उपनिषद वेदांत इतुचत्य समझ गए बात को तो वेदांत क्या है तो आपको याद रखना है कि वेद का अंतिम रूप होने से उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं आगे है ब्राह्मण भागा हा, जो ब्राह्मण भाग है ठीक है जिसकी अभी हमने बात की थी ब्राह्मण भाग यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ तीन भागों में विभक्त हैं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद तो आगे लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भाग नाम कृत्य उपयोगी जो ब्राह्मण भाग है वो गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी है गृहस्थ लोग आप जानते ही हैं आपको पता है कि हमारा जो पूरा जीवन काल है वो चार प्रकार के आश्रमों में विभक्त है जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम और इसके बाद में बानप्रस्थ आश्रम और लास्ट और चौथा है संन्यास आश्रम तो गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं तो जो गृहस्थ आश्रम है जो आ, मतलब शादी होने के बाद की बात है पच्चीस साल के बाद में और पचास तक ठीक है तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो भाग है वो गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी है और आरण्यक भाग आरण्यक भाग वाहन प्रस्थान वान प्रस्थ लोगों के लिए उपयोगी है तो वान प्रस्थ आपकी तीसरा आश्रम होता है और यह होता है आपका पचास से पिछहत्तर वाला पचास से पिछहत्तर साल का जो होता है वान वान वो बच्चों उपनिषद भागस्य आगे लिख रहा है उपनिषद भागस्य सं्यस्थान हेतो बहु उपयोगी यानी उपनिषद भाग लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है यानी जो सन्यासी लोग हैं जो चौथे आश्रम में प्रवेश करते हैं उनके लिए उपनिषद भाग बहुत ही उपयोगी माना जाता है ऐसे करके इसमें हमने बात की वेद के परिचय के बारे में ठीक है वेद मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त हैं ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके कितने भाग हैं और ब्राह्मण का क्या मतलब है आरण्य क्या है उपनिषद किसे कहते हैं इनका अलग अलग महत्व प्रतिपादित किया है भारतीय संस्कृति के स्वरूप को इसमें बताया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको समझाया गया है आशा करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे ये हमारा वैदिक साहित्य चल रहा है वैदिक साहित्य का ये हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों इसके बाद में एक तीसरे पार्ट के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे आज के लिए इतना ही पर्याप्त अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वेद शब्दार्थ यानी जो वेद शब्द है उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे उसके बाद में जो चार प्रकार के वेद हैं उनके बारे में अलग अलग हम आपसे बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट हमें सुझाव के रूप में अवश्य दें चलिए मिलेंगे आगे धन्यवाद जय तु भारतम जय तु संस्कृत